अब एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉलन है, मैंने इस कॉलन में डेट का हेडिंग डाला, क्या डाला, डेट का हेडिंग। तो इस डेट के हेडिंग मैं चाहता हूं कि यहां पे जब मैं डेट इस तरह से लिख दिया तो डेट आ जाए, ठीक है। और ये जो डेट है मान लो कहीं फॉर्मूले से उठ के आ रहा है, ये मेरा मैं अभी तो टाइप कर दिया, बट इमेजिन कीजिए कि किसी फॉर्मूले से उठ के आ रहा है। अब सडनली फॉर्मूले सडनली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, डेट के जगह पे अमाउंट करना पड़ रहा है। अमाउंट करते ही मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स डाले थे, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इफ यहाँ पे हो गया अमाउंट, यहाँ पे हो गया पे, मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ अमाउंट लिखूं तो मेरा अमाउंट आए, अगर मैं यहाँ पे डेट लिखूं तो यहाँ पे डेट आए। इसके लिए हम सिंपल इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू अगर इक्वल टू अमाउंट है तो इसको शो करो, अदरवाइज इसको शो करो, ठीक है। और हमने इसको नीचे तक A1 को फ्रीज करके नीचे तक जाए, गया। अब जैसे मैं यहां पर डेट लिखूंगा डेट आएगा, बट डेट इन द फॉर्मेट आया नंबर्स में, तो मुझे वापस इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा नंबर जो है कुछ इस तरह से बन गया, तो मुझे वापस इसको नंबर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले की मदद से ऑटोमेट तो कर दिया, बट मेरा कोई काम का नहीं। तो फॉर्मेटिंग की इम्पोर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मेटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए नंबर डाल दिया, फिर भी इसकी कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इसका ये नहीं है, यूज ही नहीं है। क्योंकि तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं यहाँ पे डेट डालूंगा तो मेरा डेट नंबर ना आए, अब इसको कोई समझ नहीं पाएगा। अगर मैं इसको डेट फॉर्मेट पे चेंज कर दूंगा चलो तो डेट तो दिख जाएगा, लेकिन फिर जब यहाँ पे मैं अमाउंट होगा तो फिर मेरा ये अमाउंट नंबर जो है इस तरह के डेट बारे में कुछ नहीं पाएगा। सो इस फॉर्मूले की कोई महत्व ही नहीं है जब तक कि हमारा फॉर्मेट ऑटोमेट ना हो, बात समझे सर। यस सर, तो यहाँ पे फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे कि भाई अगर ए इक्वल टू अमाउंट है, अमाउंट डेट है तो फॉर्मेटिंग में आओ, नंबर फॉर्मेट के अंदर डेट के अंदर हमने एक डेट सेलेक्ट कर लिया, ओके, एंड फिर इसको फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही डेट डलेगी हमारा डेट इन द डेट फॉर्मेट में आएगा, और जैसे ही अमाउंट डलेगी हमारा नंबर नंबर फॉर्मेट। अब बेनिफिट है बिल्कुल सर। तो ये जो एग्जांपल देने के पर्पस से ही है कि जब तक आप ऑटोमेट फॉर्मेट के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपका बड़ा बड़ा लंबा लंबा फॉर्मूला भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो आपको आपकी वैल्यू को आपके रिजल्ट को शो कर देता है, लेकिन रिजल्ट को सही फॉर्मेट में शो करना डिपेंड करता है आपकी फॉर्मेटिंग को, ठीक है। सो आप लोग जो है कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग बनाइए।